अवैध रेती का वाहन जोरों पर चल रहा है। मंगलवार को अवैध रेती ढोने वाले एक टिप्पर को वाड़ी पुलिस ने पकड़ने से रेती माफियों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से टिप्पर क्रमांक MH40CD1502 वरदामना गोपाल ट्रेडर्स के आगे अमरावती रोड से अवैध रेती लेकर जा रहा था। सुबह 4:45 को गश्त के दौरान वाड़ी डीपी पथक पुलिस ने रेती टिप्पर को धर दबोचा। कलमेश्वर निवासी आरोपी टिप्पर चालक कल्पेश ईश्वर मंडलेकर व गाड़ी मालक हेमंत धनराज हरपड़े पर कार्रवाई की गई। आरोपी चालक कल्पेश ने खापा घाट से रेती का खेप भरा और वरदामना में खाली करने आया था। ट्रक में ओवरलोड माल था तथा आरोपी चालक से रॉयल्टी मांगने पर बातें घुमाने लगा। पुलिस ने मालक हेमंत को संपर्क कर थाने बुलाया तो रॉयल्टी न होने की जानकारी दी। यह घटना से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गई। वाड़ी पुलिस ने दो आरोपी के खिलाफ धारा 379-34 के तहत मामला दर्ज कर कुल 28,30,000 का ट्रक व रेती का मुद्दे माल जब्त किया है। आरोपी कोरोना संक्रमित होने के कारण उसे सूचना पत्र पर छोड़ा गया। इस घटना को प्रमो गिरी, संतोष उपाध्याय, बंडू सिंह, शिवशंकर, मुनिंदर ने अंजाम दिया। आगे की कार्यवाही PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में DP प्रभारी साजिद अहमद कर रहे हैं। दिनांक 13/4/2021 रोजी रात्री 3 सुमारास आम्ही डीबी पथकासह वरधामना या ठिकाणी पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला एक रेतीचा ट्रक मिळून आला। त्याला त्यामध्ये ड्रायव्हर जो होता कल्पेश मंडलेकर याला आम्ही विचारपूस केली, त्याला रॉयल्टी वगैरे मांगितली, त्यांनी रॉयल्टी नसल्याचे सांगितले, तसेच कोणत्याच प्रकारचे कागदपत्र त्याच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले। माननीय CP सरांचे आदेश आहेत की विना रॉयल्टी जे फिरणारे रेतीचे ट्रक वगैरे आहे यांच्यावरती कटाक्षाने कारवाई करावी, तसेच आमचे DCP साहेबांचेही तसेच आदेश असल्याने आम्ही ती गाडी पोलीस स्टेशनला आणली, व्हेरीफाई केली। व्हेरीफाई केल्यानंतर आम्हाला आढळून आले की ही रेतीची चोरी करत आहे, रेतीची तस्करी करत आहे। त्यावरून आम्ही त्याला पोलीस स्टेशनला आणून त्याच्या मालकाचं नाव पत्ता विचारला। त्यांनी मालकाचं नाव हेमंत हरबडे सांगितलं। हेमंत हरबडे हा कर्मेश्वरचा आहे। त्याला आम्ही कॉन्टॅक्ट केलं असता त्यांनी सांगितलं की सध्याची गाडी त्याची आहे। त्याला पोलीस स्टेशनला बोलावलं, कागदपत्रांची विचारपूस केली। त्यांनी सांगितलं त्याच्याकडे कोणत्याच प्रकारचे कागदपत्र नसून ही गाडी त्यांनी विना रॉयल्टीची आणलेली आहे। त्यावरून आम्ही तशी एक फिर्यादीमध्ये त्यांचं फिर्याद घेऊन त्याप्रमाणे त्यांच्यावरती वाळू तस्करीचा गुन्हा दर्ज केला आहे पोलीस स्टेशनला। सध्या अपराध क्रमांक 130-21 कलम 379-34 तपास आमच्याकडे आहे। पुढील कारवाई आम्ही व पोलिसो यांच्या आदेशाप्रमाणे करत आहोत। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।